हेलो एवरीवन, क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोला जाता है, और हम लोग इसके स्टेप नंबर 4 पे आ गए हैं। ठीक है, नंबर 4 में आप देखिएगा, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इफ एन, वो लिखा नहीं है यहां पे स्पेस ना होने की वजह से, इफ एन रिप्रेजेंट्स एनी नेचुरल नंबर। अब हमारे पास जो ये एन है, देखिए एन है, ठीक है, पहले तो बता देता हूँ, ये हमारा एन है, एक्स हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है, डिफरेंशिएट होना चाहिए, पता होना चाहिए हम क्या लिखते हैं, किस तरीके से बताते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर कोई भी एक तो एक्स नहीं है, नंबर वन, नंबर टू बात है, ये सब आपको एन है और एन यहां पे एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से हम लोग इसके पहले 5 टर्म निकालेंगे, पहले नंबर वन आप लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर वन, ओके, नंबर वन में क्या करना है आपको, गिवन है बेटा ए एन इज इक्वल टू 3n+2। अब इसका पहला टर्म निकालने का तरीका क्या होगा, दूसरा निकालने का क्या होगा, तीसरा क्या होगा, सबसे पहले n की वैल्यू देखिए, हम लोग यहां पर अगर a1 लिखेंगे, भाई n की जगह 1 रखा, तो a1 मींस क्या हो गया, आपका पहला टर्म हो जाएगा। अगर आप a2 निकालना चाहते हैं तो a2 मींस क्या हो गया, दूसरा टर्म हो जाएगा। फिर इस तरीके से आप a3 निकाल सकते हैं, और आपको जो ना पहले 5 टर्म निकालने हैं। ठीक है, इसी सवाल में मॉडिफाई भी कर सकता है कि वो इसका आपका कॉमन डिफरेंस पूछ सकता है, इस तरीके से आपको जो एक रिलेशन दे देगा कि ये आपका एपी को रिप्रेजेंट करता है, तो बताइए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। देखो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या होता है, a2 - a1, हमें जो है नंबर दूसरा टर्म चाहिए होता है और पहले वाला टर्म से सबट्रैक्ट कर देते हैं, पता होगा आप लोगों को। तो फिर हम लोगों को केवल a1 a2 निकालना है, और d इक्वल टू a2 - a1 होता है, तो वो वहां से निकल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आप a1 कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखिएगा a1 निकालने का तरीका क्या होगा। तो यहां पर आप सीधा सिंपल लिख सकते हैं, a1 इज इक्वल टू 3 इंटू में होगा ये 1 प्लस होगा 2, 3 बन जा 3 + 2, आप देखेंगे a1 की वैल्यू आ गई आपकी 5, तो पहला टर्म उसका जो होगा वो 5 होगा। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, a2 निकाल सकते हैं, a2 निकालने का तरीका क्या होगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 + 2, 3 × 2 जा कितना होता है बेटा 6, 2 ऐड करिएगा कितना आ जाएगा 8 निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप a3 को भी निकालेंगे, a3 इज इक्वल टू यहां पर 3 आ जाएगा, 3 × 3 + 2, 3 × 3 का कितना होता है बेटा 9, 2 ऐड करिएगा कितना हो जाएगा 11, समझ में आया। इसी प्रकार से आप इसका a4 a5 निकाल लेना, ठीक है, तो आप लिख देना हैंस, फिर आप लिखेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्पेस नहीं है थोड़ा सा, हैंस फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द एपी, या ऐसा कर लो, लिखना है लिखिए तो छोड़ देना वहीं पे, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द एपी, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द एपी, तो पहले 5 टर्म होंगे एपी के आपके बेटा, वो होंगे कौन कौन से, एक तो आपका निकल के आ गया 5, ओके, अगला क्या निकल के आ गया 8, गैप कितना आया 3 का है ना, तो 11, आप 3 × 3 में डालते रहे ना, अगला 14 आएगा, फिर आएगा 17, आप चाहें तो यहीं पे छोड़ देना, ये डॉट डॉट करके लिख देना। ठीक है, इस तरीके से आप a1 a2 a3 निकाल सकते हैं, a4 a5 a6 जितना निकालना निकाल लीजिए, समझ में आया नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये तो काफी सिंपल है, बिल्कुल इजी, सिंपल से भी सिंपल अगर कोई वर्ड है तो आप यूज कर सकते हैं इनके लिए। नंबर टू है आपके पास an = 2 - 5n, ठीक है बेटा, आप इस बार क्या होगा, प्लस माइनस का आंसर आ सकता है, कैसे देखिए, जब आप यहां पे 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 5 × 1, ध्यान दीजिएगा 2 - 5 = 5, यहां पर 3 नहीं बचेगा, क्योंकि आपके पास जो है प्लस के 2 है माइनस के 5 है, सब्ट्रैक्ट होके 3, लेकिन बचेगा क्या था बेटा, माइनस का, माइनस का क्यों बचा, क्योंकि आप देखिएगा प्लस के 2 है माइनस के 5 है, और जब भी प्लस माइनस होता है तो आपका जो क्वेश्चन वो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, वेरी गुड। अब हम लोग निकालेंगे इसका a2, a2 किस तरीके से निकलता है, 2 - 5 × क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, वेरी गुड, 2 - 10, वैल्यू कितनी जाएगी, -8, यहां पर सभी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, माइनस की रहेगी, आप निकाल के देखते रहिएगा। यहां पर आएगा बेटा 2 सेम रहेगा, -5 × 3, 5 × 3 क्या होता है 15, 15 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा बचेगा -13, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। इसी प्रकार से आप इसका a4 निकालिएगा, a5 निकालिएगा, तो फिर 5 टर्म कौन कौन से हो जाएंगे बताइएगा, एक तो हो जाएगा बेटा -3
एक हो जाएगा माइनस का 8, कितना गैप है 5 का गैप है, फिर आएगा माइनस 13, फिर 5 डाल दीजिएगा 18, रहेगा माइनस ही, फिर रहेगा 23 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, वो आपका ये भी बन जाएगा और पहले 5 टर्म भी आपके निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 समझ लीजिएगा, ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है, स्टेप नंबर 4 काफी इजी रहेगा, आपको बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगा। देखिएगा नंबर 3 में क्या है, पहले सभी सवालों को समझ लो फिर सोल्व करो, उम्मीद है आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए A1 निकालना है हमें, देखो हमें A1 से मतलब क्या है, A आपका सेम है, n की वैल्यू 1 है, अब यहां जहां भी आपको n मिलेगा वहां पे 1 रख दो, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 2 n की वैल्यू है 1 माइनस 1/3, सोल्व करिएगा 2 × 2 माइनस 1 3, क्या वैल्यू आएगी 1/3, तो आप क्या लिख लेना 1/3 आ गई। ठीक है बेटा, अब आप निकालिए A2 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, n के स्थान पे 2 होगा, यहाँ पे 2 नहीं है तो 1 ही रहेगा। अब देखिए 2 × 2 कितना हो गया 4, ओके 4 माइनस 1 क्या होगा 3 × 3 क्या हो गया कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 1, कोमा लगा के 1 लिख लेना। ठीक है, अब आप इसका क्या निकालेंगे थर्ड टर्म, तो इसका थर्ड टर्म निकालने का तरीका, यहां पर 3 आ जाएगा, 3 × 2 कितना होता है बेटा 6, वैल्यू आएगी 5/3, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोमा लगा के 5/3, अब इसका 4 टर्म भी निकाल देते हैं, ये तो काफी इजी लग रहा होगा आपको, जी हाँ 4 × 2 = 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका 7/3, ठीक है ना 7/3 डॉट डॉट ऐसे करके आप निकाल लेना, ऐसे इसका फिफ्थ टर्म भी निकाल देना। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, बस ये प्लस माइनस समझाने के लिए कर रहे हैं, कि तो सवाल आपके काफी सिंपल और इजी है। An = ये आपको दिया हुआ है बेटा 1 − 2n/2, डायरेक्ट पढ़ेंगे कभी समझ में नहीं आएगा, बेसिक से पढ़ो हर चीज आपको समझ में आएगी, मैथ बहुत ही इजी और एक बहुत ही फनी आपका होता है, आपको मजा भी आता है पढ़ने में और बोर नहीं होते हैं, सबसे बढ़िया बात है ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप इंटरेस्टिंग होके पढ़ेंगे, अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर और ये जो मैथ है आपकी नॉलेज भी बढ़ाएगा और माइंड की जो पावर है थिंकिंग उसको भी बढ़ा देता है। 1 आएगा 2 यहां पर रहेगा, देखिएगा 1 − 2 बन जा क्या होता है 2, ये 2 रहेगा, आप अगर बच्चे कर देते हैं 1/2 तो ये गलत आंसर होगा, क्योंकि 1 प्लस में कम है माइनस का 2 ज्यादा है, इसलिए वैल्यू आएगी आपके बेटा −1/2। फिर आप यहीं पे लिख देंगे हेंस, देखो लिखना किस तरीके से है मैं फिर बता देता हूं, हेंस कोमा फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट की स्पेलिंग नहीं पता, अच्छा 5 टर्म्स ऑफ द एपी, जो एपी के पहले 5 टर्म्स होंगे कौन कौन से होंगे, देखिएगा नंबर 1 पे आया −1/2, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 2, तो ये देखो n कहाँ था यहाँ पे ना बेटा, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, क्या होगा −3/2, तो ये होगा −3/2, फिर आप यहाँ पे क्या रखेंगे 3, यहाँ पर भी क्या आएगा 3, यहाँ पर 6 आ जाएगा, कुल बचेगा आपके पास 5/2 −5/2, अगली बार क्या करना है −7/2 −9/2, फिर भी एक बार निकाल के देख लीजिएगा, 4 रखेंगे यहां पर हो जाएगा 4 × 2 = 8, ये होगा 8 में से 1 फिर भी अपना माइनस का 7/2, और इसी प्रकार से आप लोग इसका फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस करो और बताइए इनकी वैल्यूज क्या क्या आ रही है। ठीक है, सोल्व करेंगे या ऐसा करते हैं क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं इसमें से, बताइए कौन सा करना है, ये वाला कर लें 8 क्वेश्चन, देखो करना कुछ नहीं है, जो तरीका है वो सेम रहेगा, बस आपको समझ आना चाहिए कि वैल्यू कहां पुट करनी है और कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो ये होगा A1 10 − 1/2, अब 10 में से 1/2 सबट्रैक्ट करने का तरीका रहेगा 2 एलसीएम रहेगा, ये हो जाएगा 20 − 1, कुल मिला के जाएगा 19/2, और यहां पर आपका पहला टर्म आ जाएगा 19/2 प्लस वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप लोग इसका सेकंड टर्म, तो बेटा देखो कितना आसान हो गया, 2 ऊपर आएगा 2 × 2 हो गया है ना, तो ये तो यहीं पे सिंपल सॉल्व हो गया ना, तो बस केवल 10 − 1 = 9, ये वैल्यू आएगी 9। अगली बार देखिएगा जब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो बेटा कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस बार 3 आएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, फिर एलसीएम लेना होगा हमें इसका, 2 आएगा एलसीएम, यहाँ होगा 20, यहाँ पे होगा 3, कुल हो जाएगा 17/2,
ये तो आता हो ना सोल्व करना, अब ये भी नहीं आता तो फिर देखिए दसवीं में आप पढ़ने लायक हो नहीं, फिर फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ो इनको सीखो, फिर दोबारा दूसरी क्लास में आओ, ठीक है। अब आप इन्हें नोट करो।